कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में है। प्रशासन ने मास्क नहीं लगाने वालों पर सख्ती बरतना शुरू कर दी है। इसी को लेकर पुलिस ने फूलबाग चौराहे पर चालानी कार्रवाई को अंजाम दिया। कोरोना की संभावित तीसरी लहर की आशंका को लेकर प्रशासन सक्रिय हो चुका है। एक तरफ प्रशासन की टीम जनप्रतिनिधियों और समाज सेवियों की मदद से जन जागरूकता अभियान चला रहा है, तो वहीं लोगों को वैक्सीनेशन के लिए घर घर जाकर जागरूक भी किया जा रहा है। तो वहीं लापरवाही करने वालों पर प्रशासन की टीम सख्ती बरत रही है। बगैर मास्क के घूमने वालों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी को लेकर पुलिस ने फूलबाग चौराहे पर चालानी कार्रवाई को अंजाम दिया। निरंजन सिंह भैया, BRCC जनपद शिक्षा केंद्र मुरादराबाद। आज किस तरह की कार्रवाई की गई? आज जैसा कि माननीय कलेक्टर साहब के निर्देश थे और जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश के तहत आज पुनः एक बार रोको टोको अभियान के अंतर्गत यहां लोगों को मास्क लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है और कुछ पुलिस विभाग द्वारा कुछ चालान की कार्रवाई भी की। कल भी इसी अभियान के अंतर्गत कार्य किया गया था, जिसमें लगभग 20 से लगभग चालान किए गए थे। आज पुनः सभी लोगों को समझाइश दी जा रही है और समझाइश देकर मास्क पहनने के लिए उनको प्रेरित किया जा रहा है। कार्रवाई की जा रही है, क्यों जरूरी है? और भाई, कोविड की बीमारी को दृष्टिगत रखते हुए आप बराबर देख रहे हैं और आप लोगों की मदद से ही, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की सहायता से ही ये जानकारी बार बार आ रही है कि हमारे यहाँ दिन प्रतिदिन केस बढ़ते जा रहे हैं। उसी को दृष्टिगत रखते हुए और उसी की सुरक्षा को लेकर आज यहाँ लोगों को पुनः प्रेरित किया जा रहा है कि आप मास्क अनिवार्य रूप से लगाएं, क्योंकि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग ही बीमारी का एक बहुत अच्छा है। कितने रुपए का चालान किया है, कितने चालान कर दिए हैं अभी? मेरे ख्याल से शायद 10-12 के चालान हुए हैं। मूलतः लोगों को प्रेरित करना है, इसका उद्देश्य चालान नहीं है, लेकिन चालानी कार्रवाई की जा रही है जिससे कि लोगों को समझ आ सके कि मास्क की आवश्यकता क्यों। वहीं प्रशासन ने ऐसे लोगों पर सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं जो जानबूझकर लापरवाही कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News TV, ग्वालियर।